वो मेरे विषय में कहते हैं उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। हाँ, परंतु हे यहोवा, वचन क्या कहता है, वचनकार क्या कहता है, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। आपका परमेश्वर आपके चारों तरफ आपकी ढाल है। हर एक गोलियत से आपको बचाने के लिए आपका यहोवा आपकी ढाल है। हर एक लाल समुंदर से आपको पार लंगाने के लिए आपका यहोवा आपकी ढाल है। हर बीमारी से, हर शैतान की परिस्थितियों से आपको आपका रखवाला आपका परमेश्वर है। बाइबल कहती है तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। मस्तक का ऊंचा करने वाला, इसका मतलब आपका आदर बढ़ाने वाला। हालेलुया। सिर उसका झुका होता है जो जिसके मन में शर्म होती है। अब समझ रहे हो, जो गलत करके जो शर्माता है, लज्जाता है और जिसमें हिम्मत नहीं होती अपना सिर ऊपर उठाने की। पर वचन कहता है आपका यहोवा आपका मस्तक ऊंचा करने वाला है। आमें। आपकी शर्म को दूर करने वाला है। आमें। आपका आदर बढ़ाने वाला है यीशु के समर्थी नाम से। ध्यान रखो, पहले कहती है उसको बंदी गृह में डाला, एक जेल में डाला और चारों तरफ उसके सिपाहियों का पहरा बिठा दिया। आपको बोल रहा हूं, शैतान ने बहुतों की मंजिल को ऐसे जेलों में डाल दिया है और उसके आगे शैतानी सिपाही लगा दिए हैं ताकि आपकी मंजिल बाहर ना निकले। अब समझ रहे हो, पढ़ो आगे। बंदी गृह में पत्रस बंद था, पर बंदी गृह में पत्रस बंद था। बहुतों की मंजिल, बहुतों की मैरिज, बहुतों की डेस्टिनी, बहुतों का करियर आज इस ऐसे चार दीवारों में बंद है। उसको निकल के इतना फ्रूटफुल होने की जरूरत थी, बट आज शैतान ने बंद कर रखा है चार दीवारी में, सिपाही लगा रखे हैं और आज मसीह चुप है। आप समझ रहे हो, जब तक आप दोहाई नहीं लगाओगे, मैं आपको बोल रहा हूं वो चीजें वहीं पे रहेंगी। पढ़ो पढ़ो आगे, कैसे निकला पत्रस जो चार दीवारी में था। पढ़ो। परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। ध्यान रखो क्या लिखा है, कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही थी। हाँ, केस लड़ रही थी कोई, या कोई लॉयर हायर कर रही थी, वो क्या कर रही थी, वो प्रार्थना कर रही थी, या SHO नु फोन लगा रही थी, क्या कर रही थी, वो प्रार्थना कर रही थी, कोई कॉन्टैक्ट ढूंढ रही थी कि किसके माध्यम से किसकी सिफारिश लगा के पत्रस को छुड़ा ले, क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। आज कलीसिया सब कुछ कर रही है प्रार्थना को छोड़ के। क्या कर रही थी कलीसिया, प्रार्थना कर रही थी, और जब प्रार्थना कर रही थी क्या हुआ, पढ़ो। जब हेरोदास उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पत्रस दो जंजीरों से बंधा हुआ दो सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, वो सो रहा था और पहरुए जो गार्ड थे वो अभी भी उसी जगह पे थे। बढ़ो। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्ग दूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पत्रस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले, और उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहन कर मेरे पीछे हो ले। जब कलीसिया दुहाई लगाती है, परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है आपको छुड़ाने के लिए। बाइबल लिखा है, जब परमेश्वर सोदम को नाश करने पे था, अब्राहम ने विनती लगाई, परमेश्वर मेरे लूत को बचा ले। और जब उसने विनती लगाई प्रभु के सम्मुख, बाइबल कहती है परमेश्वर ने दूत भेजे सोदम गमोरा में और दूत जाकर ने लूत को बचाया, लूत के परिवार को बचाया। आमीन, हालेलुया। जब आप दुहाई लगाते हो,
वो बंद मंजिल जो शैतान ने चार दीवारी में बंद करी होती है, दूत जाके उस मंजिल को निकाल के लाते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। मैं आपको बोल रहा हूं, जब आज हम दुहाई लगाने वाले हैं, वो करियर, वो मंजिल, वो डेस्टिनी, वो मैरिज जो शैतान ने आपकी उस बंदी ग्रह में डाली हुई है, उसने सिपाही डाल लगाए हुए हैं चारों तरफ, बट आज की प्रार्थना के बाद मैं आपको बोल रहा हूं वो मंजिल बाहर निकलेगी यीशु के सामर्थी नाम से। और वो मैरिज बाहर निकलेगी यीशु के सामर्थी नाम से। वो करियर बाहर आएगा यीशु के सामर्थी नाम से। ओ मैं आपको बोल रहा हूं प्रभु की प्रेजेंस बहुतायत से मेरे बीच में है। और दूत ने कहा पत्रस मेरे पीछे हो ले, और पत्रस दूत के पीछे हो लिया। आगे बढ़ेंगे, सेम वचन को आगे दोहराओ, लगाओ उसके स्क्रीन पे, आगे बढ़ो। वह निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। हालेलुया, प्रभु के काम समझ नहीं आते। हाँ, कैसे मैं बंदी गृह में था और कैसे आप समझ रहे हो? प्रभु ऐसे लग रहा था जैसे वो सपना देख रहा है, ये प्रभु के काम है। बढ़ो आगे। तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है, वह उनके लिए आप से आप खुल गया, और वे निकलकर एक ही गली होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। पहला फाटक जो जेल से बाहर था, दूसरा फाटक जो यहाँ पे आए थे, जहाँ पे शैतान आपको रोकता है आगे जाने से आपकी मंजिल तक। अब समझ रहे हो, आपने बहुत कोशिशें कर ली, आपने बहुत कॉन्टैक्ट लगा लिए, आपने बहुत चीजें पता कर ली, सोर्सेज लगा लिए, पावर लगा ली, पैसा लगा लिया, सब कुछ कर लिया, बट वो डोर अभी तक बंद है, आप अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहे। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। जब पत्रस बंद था उस जगह पे, बाइबल कहती है कलीसिया ने लौ लगा के विनती और प्रार्थना करी, और जब प्रार्थना और विनती करी, पत्रस को गेट खोलने की कोशिश नहीं करी, बाइबल कहती है गेट अपने आप खुल गया। हालेलुया, आपको बोल रहा हूं जब आज हम दुहाई और प्रार्थना लगा रहे हैं, जिस गेट को, जिस दरवाजे को आप इतने सालों से खोलने की कोशिश कर रहे हो, आपकी मेहनत व्यर्थ हो चुकी है, आप थक चुके हो, आप श्रमित हो चुके हो, मैं आपको बोल रहा हूं आज जब वो दुहाई प्रभु के सम्मुख पहुंचेगी, वो सालों से बंद गेट आज खुलेगा यीशु के सामर्थी नाम से। और मैंने कहा वो गेट आज खुलेगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। मरकुस पांच अगर उसका एक पढ़े, मरकुस पांच अगर उसका एक पढ़े, मरकुस पांच अगर हम उसका एक ध्यान लगाएं। बेचील के किनारे, बेचील के पास गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब समझ लो दोबारा, बेचील के पास गिरासेनियों के देश में पहुंचे। हालेलुया, गिरासेनियों के देश में पहुंचे। पढ़ो। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांगलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियां और सांगलों से बांधा गया था। पर उसने सांगलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देख कर दौड़ा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है इस जगह पे जब यीशु गए, यीशु गिरासेनियों के देश में पहुंचे, और इसके बारे में पहले ही हम देखते हैं पुराने नियम में एक जगह पे
लिखा गया था। अगर आप पढ़ो, अगर हम निकालें उत्पत्ति 49 का अगर हम 19 पढ़े, उत्पत्ति 49 उसका अगर हम 19 पढ़े, गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा। हालेलुया। अब देख रहे हो इस जगह के लिए गाद पर, जिस जगह पे यीशु गए थे, बाइबल कहती है एक दल चढ़ाई तो करेगा। इधर एक दल लिखा हुआ है। अब समझ रहे हो, जब यीशु ने उस जन से पूछा कि तू कौन है, उसने क्या कहा, मैं एक सेना हूं। अब समझ रहे हो, बाइबल कहती है गाद पर एक दल चढ़ाई करेगा। उस एक व्यक्ति के ऊपर एक दल ने चढ़ाई करी हुई थी। हर क्षेत्र में एक दल ने चढ़ाई करी हुई थी, एक बड़ी सेना ने उसके जीवन पे चढ़ाई करी हुई थी। पर बाइबल कहती है वहां खत्म नहीं हुई, उसकी विक्ट्री की जीत पहले ही उस वचन में लिख दी गई थी। पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो ऐसी नहीं रहेगा, उस पे छापा मारा जाएगा। आमेन। हाँ, यीशु का आना होगा, यीशु का उसको आजाद करना होगा। आमेन। वो कंडीशन उसकी पक्की नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं, जिस स्थिति में आप हो वो टेम्पररी है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ो पढ़ो इसी वचन को, अगर 5 से 5 का अगर हम आगे पढ़े, जितना आपने पढ़ लिया उससे आगे पढ़ो, 8 से 7 से पढ़ो, 5 का 7 से पढ़ो, मरकुस 5 उसका 7 से। बाइबल कहती है, हे, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू मुझसे तुझसे क्या, मुझे तुझसे क्या काम है, तू मेरे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उसे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उस जन को आजाद किया है। हम देखते हैं जब उसने पुकारा और यीशु ने कहा कि तुम कौन हो, उसने कहा हम सेना हैं। अब समझ रहे हो, आज बहुतों की लाइफ ऐसी सेना से घिरी हुई है। प्रॉब्लम एक नहीं है, प्रॉब्लम गिनतियों में है। अब समझ रहे हो, डिले लाइफ में, देरी है, मैरिज लाइफ ठीक नहीं चल रही, बच्चों के साथ चीजें ठीक नहीं है, करियर में चीजें सेटलमेंट नहीं है, भटकन है, गड़बड़ी है, बुरे विचार हैं, कोई क्षेत्र सेटल नहीं है। अब समझ रहे हो, एक एक सेना से गिरे हुए हैं और समझ नहीं आ रहा क्या है। हर क्षेत्र, एक नहीं, हर क्षेत्र, हर जगह दिले, निराशा, सेटबैक, चीजें पीछे रहना, हर चीज में डिले। सेना, प्रभु आपको बोल रहा हूं, वो सारी सेना, सारी सेना जिसने आपको घेरा हुआ है, आज आपके जीवन से जाएगी यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया।